गर्मी, लू और बढ़ते तापमान के बीच प्री मानसून बारिश ने कई राज्यों को थोड़ी राहत दे दी है। देश के दक्षिण में जहां मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है, वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में प्री मानसून की झलक देखने को मिली है। आज हम आपको बताएंगे किस राज्य में और उसके किस जिले में कब होने वाली है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण के केरल, तमिलनाडु, गोवा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। मानसून धीरे धीरे देश के मध्य राज्यों से होते हुए उत्तर की ओर बढ़ेगा। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर महाराष्ट्र में मानसून 10 जून को पहुंचने की संभावना है, लेकिन इस बार 6 जून को ही पहुंच गया है। इसी तरह गुजरात में मानसून 20 से 25 जून के बीच पहुंचता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां मानसून की बारिश 15 जून से 20 जून के बीच में होता है। उत्तर प्रदेश में मानसून 20 जून तक पहुंच सकता है, लेकिन अभी राजधानी लखनऊ सहित कुछ हिस्सों में प्री मानसून की बारिश से यहाँ के लोगों को कुछ राहत ज़रूर मिली है। पंजाब में मानसून 30 जून तक दस्तक देता है, जबकि दिल्ली में इसी के आसपास बारिश शुरू हो जाती है। गुजरात के उत्तर में मानसून 20 से 25 जून तक पहुंच जाता है, जबकि इसके दक्षिण जिलों को ये 15 जून तक कवर कर लेता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में मानसून की बारिश 25 से 30 जून तक पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश में दोपहर का औसत तापमान करीब 38 डिग्री था, वहीं राजधानी दिल्ली में पारा 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मिनिमम 30 डिग्री से ज़्यादा रहा। पंजाब, बिहार, राजस्थान में 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। छत्तीसगढ़ में 37 और झारखंड में तापमान 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। उत्तराखंड में आज तापमान थोड़ा ज़्यादा है, जो कि तापमान 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मध्य प्रदेश में औसत तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मिनिमम 31 डिग्री है। ये तो रहा तापमान, आज हम आपको बता रहे हैं कैसे बनाते हैं आम पन्ना और क्या है इसके फ़ायदे। सबसे पहले कच्चे आम को उबाल लें, इसके बाद इसमें गुड़, हरी मिर्च, अदरक, पुदीना और पानी डालकर इसे ठंडा करके पी सकते हैं। गर्मी में आम का पन्ना आपको लू से बचाता है।